सीटों से एक बार फिर चुनावी मैदान में, 2019 में भी वो दो सीटों से चुनाव लड़े थे, अमेठी से भी और वायनाड से भी। वायनाड से जीते, अमेठी से हारे, इस बार भी वायनाड से चुनावी मैदान में है, वहां पर वोट भी डाले जा चुके हैं। तो अब रायबरेली से इस बार कैंडिडेट हैं मौसमी सिंह, हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए एक बार फिर से। मौसमी, केएल शर्मा को लेकर कहा जाने लगा है, बीजेपी की तरफ से बयान भी आ गया है कि वो पंजाब के रहने वाले हैं और आपने उनको अमेठी से टिकट दे दिया और आप दोनों सीटों से आप हारेंगे, यानी कि बाहरी कैंडिडेट को आपने उतारा है, आरोप। जी बिल्कुल, देखिए एक तरीके से बीजेपी का ये मानना है कि केएल शर्मा को लड़ा के जो एक तरीके से वॉकओवर स्मृति ईरानी को अमेठी में दे दिया गया है, जाहिर तौर पर बीजेपी ये सवाल खड़े करेगी कि लगातार स्मृति ईरानी जिस तरह से गांधी परिवार को चुनौती दे रही थी, तो क्या वो चुनौती को स्वीकारना चाहिए था कांग्रेस को? अगर वाकई में कांग्रेस को लगता था कि कांग्रेस जो है अमेठी से जीत सकती है, और एक तरीके से राहुल गांधी ने जब अमेठी के रण को छोड़ा, तो ये कयास लगाए जाने लगे कि प्रियंका गांधी जो है चुनावी समर में अपनी पारंपरिक सीट से उतर सकती है, लेकिन प्रियंका गांधी का नाम सामने नहीं आके बीजेपी को ये एक बड़ा हथियार मिला है ये कहने का कि एक तो प्रियंका गांधी रण छोड़कर भाग गई है, लगातार प्रधानमंत्री पर हमला बोलती है, लेकिन उनको इतना विश्वास नहीं है कि अगर वो चुनावी समर में उतरे तो जीत सके। और बीजेपी ने लगातार स्मृति ईरानी को, मुझे याद है कि 2014 हो या 19 हो, स्मृति ईरानी के लिए कैंपेन में कोई कोर कसर बीजेपी ने नहीं छोड़ी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके नामांकन दाखिल कराने के लिए आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे याद है 2014 में जब आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का, तो प्रधानमंत्री हिमांशु का जल्दी से रुक कर लेते क्योंकि हलचल बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, कुछ गाड़ियों की मूवमेंट दिख रही है राहुल गांधी की आवाज के बाहर। हिमांशु, देखिए बिल्कुल यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा राजीव, कि आप देखिए जैसा कि हम कह रहे थे प्रोटोकॉल के तहत जब जेट प्लस सिक्योरिटी होती है, तो आप देखिए उनके निकल राहुल गांधी के निकलने से पहले यहां पर आप देखिए आपको पीसीआर सबसे पहले, सबसे पीछे आपको पीसीआर पराक्रम गाड़ी दिखेगी, फिर दिल्ली पुलिस की गाड़ी दिखेगी, और उसके बाद जो उनके एस्कॉर्ट्स में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो आपको दिखेंगे यहां पर पूरी तरीके से मुस्तैद दिखेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके को किस तरीके से सिक्योर कर दिया गया है। आगे की तरफ आप देखिए, अगर रोड की दूसरी तरफ जो आगे जो काफिला निकलेगा राहुल गांधी का, तो आगे यहां पर एक गाड़ी मौजूद है जो आगे चलेगी, और दो और गाड़ियां जो वहां पर आप देख सकते हैं अंदर जहां पर सिक्योरिटी आपको नजर आ रहे हैं ठीक गेट के बाहर, वो दोनों गाड़ियां काफिले में जैसे ही राहुल कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का बयान आ रहा है, एक बार सुनाते हैं। पांचों चरणों के चुनाव पे जबरदस्त असर पड़ने वाला है, और कांग्रेस इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ सरकार 2024 में बनाने जा रही है। ये तय हो गया, राहुल जी लड़ने वाले लोग, फाइटर लोग, पीछे नहीं हट सकते, लड़ रहे हैं, और निश्चित तौर से भारी बहुमत से जीतेंगे, भारी वोटों से जीतेंगे। शासक किशोरीलाल जी जो पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी के प्रति बहुत ही वफादार और बहुत ही संघर्ष करने वाले, अमेठी और रायबरेली की जनता के साथ हमेशा उनका हमेशा लगाव रहा है, और हमेशा। और ये राहुल गांधी का काफिला उनके घर से बाहर निकलता हुआ, जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया भी था, और तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी अब रवाना हो रहे हैं रायबरेली के लिए, और काफिला उनका घर से बाहर निकलता हुआ, ये तस्वीरें इस वक्त हमने कुछ देर पहले वो हलचल भी दिखा दी। और राहुल गांधी आप देखेंगे तस्वीरों में गाड़ी में बैठे हुए हैं और अब वो रवाना हो गए हैं, उन्होंने मीडिया के कैमरों की तरफ जरूर देखा। हिमांशु वहां पर, हिमांशु। जी बिल्कुल, देखिए जो तमाम जो पूरा प्रोटोकॉल था, जैसा कि बताया था इस रोड को बंद कर दिया गया था, और जो गाड़ी आगे थी तो तकरीबन 12 गाड़ियों का ये पूरा जो काफिला था, 10 से 12 गाड़ियों का, तमाम सुरक्षा इंतजाम के बीच यहां से राहुल गांधी निकल गए हैं और सीधे एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं राहुल गांधी, और वहां से वो रायबरेली का रुख करेंगे। रायबरेली में तमाम इंतजाम पहले ही हो रखे हैं, नॉमिनेशन फाइल को लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं, और इसके अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेता भी रायबरेली पहुंच रहे हैं। रायबरेली के साथ साथ अगर हम बताएं आपको, तो अमेठी में भी कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचेंगे, तो जो सस्पेंस था वो खत्म हुआ, और अब यहां से निकल चुके हैं राहुल गांधी। सुबह से ही सबकी निगाह थी, क्योंकि देखिए राजीव, देर रात तक बैठकें चलती रही थी, रणनीति बनती रही थी कि किस तरीके से क्या किया जाए, और उसके बाद जब सस्पेंस से पर्दा उठा तो पता लगा कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से
कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ता केएल शर्मा को टिकट दिया गया और तभी से सबकी निगाह थी कि क्योंकि यहीं पर मौजूद थे राहुल गांधी, तो तभी से सबकी निगाह थी कि आखिर कब, चूंकि आज आखिरी दिन है तो सुबह पहले जानकारी मिली थी कि 7 बजे के आसपास, लेकिन जिस तरीके से देर रात तक कह सकते हैं कि तड़के सुबह तक ये पूरी बैठकों का दौर चलता रहा था, बातचीत आपस में होती रही थी, तो जिसकी वजह से शायद जो 7 बजे का समय था उसमें थोड़ा डिले हुआ और तकरीबन 9:15 बजे के आसपास राहुल गांधी यहां से निकले हैं और यहां से चूंकि जेट प्लस सुरक्षा है तो क्लीन रोड मुश्किल से 20-1 मिनट उन्हें लगेगा एयरपोर्ट पहुंचने में और उसके बाद वो सीधे रायबरेली के लिए रवाना हुए हैं। राजीव, बिल्कुल हिमांशु, उत्तर प्रदेश से लड़ने के लिए दिल्ली से राहुल गांधी रवाना हो गए हैं। मौसमी भी हमारे साथ जुड़ गए। मौसमी, 7 बजे का पहले समय था लेकिन 1 घंटा 45 मिनट की देरी से या बाद में आप कह सकते हैं कि लेकिन राहुल गांधी निकल गए, लेकिन अब आगे के प्लान क्या होंगे, कब तक एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, उसके बाद के क्या प्लान कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताया गया है राहुल गांधी का? मौसमी, आवाज मिल रही है आपको? मौसमी तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा उनका रुख करेंगे। तो राहुल गांधी, आपको बताते हैं कि रायबरेली से चुनावी मैदान में है, रायबरेली से वो अब नामांकन दाखिल करने के लिए दिल्ली से निकल चुके हैं, चूंकि नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है तो ऐसे में समय था भी नहीं, आज ही अनाउंसमेंट हुई है सुबह सुबह और आज ही राहुल गांधी रवाना भी हो गए हैं। हिमांशु हमारे साथ लगातार। हिमांशु, दिलचस्प हो गई उत्तर प्रदेश की लड़ाई क्योंकि समाजवादी पार्टी भी साथ है, तो मनोबल उस तरह से बढ़ा हुआ है क्योंकि समाजवादी पार्टी का प्रभाव तो उत्तर प्रदेश में है, कांग्रेस पार्टी भले ही उस स्थिति में ना हो लेकिन सपा का वर्चस्व है यूपी में। बिल्कुल, देखिए क्षेत्रीय पार्टियों का काफी असर हमेशा से यूपी में रहा है और जिस तरीके से सपा और बसपा का उस पूरे इलाके में असर देखा गया है तो सपा के साथ आने से निश्चित तौर पे कांग्रेस को फायदा है। और रायबरेली से जब निर्णय लिया गया और जिस तरीके की अगर हम राजीव बात करें, कल शाम से खास तौर से जो हलचल देखने को मिली थी, खास तौर से अमेठी और जो रायबरेली के जो कांग्रेस के कार्यालय थे वहां पर जिस तरीके से हलचल देखने को मिली थी, जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचने लगे थे दोनों कार्यालयों में और राहुल गांधी के पोस्टर्स अमेठी के दफ्तरों में लगाए जाने लगा था, तो एक उम्मीद थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि शायद राहुल गांधी अमेठी को ही चुने, लेकिन सुबह जब सस्पेंस जैसा कहा जा रहा था कांग्रेस तो हिमांशु अब समाप्त हो गया है, लौटते हैं आपके पास। मौसमी का एक बार रुख करते हैं। मौसमी, हमने तस्वीरें देखी थी, पोस्टर्स देखे थे, पोस्टर्स राहुल गांधी के भी देखे, हमने पोस्टर्स तो रॉबर्ट वाड्रा के भी देखे थे, लेकिन केएल शर्मा के पोस्टर्स थे या फिर अब लगने वाले हैं क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता कि केएल शर्मा साहब के पोस्टर लगेंगे। केएल शर्मा खुद ही डिनायल मोड में है, जब उनसे तमाम पत्रकारों ने सुबह पूछा तो बोले उनको विश्वास नहीं हो रहा था। जाहिर तौर पे वो बहुत खुश नहीं होंगे इस ऐलान से, क्योंकि जितना मैंने उनसे बात की है, कई बार उनका इंटरव्यू लिया है और लंबे वक्त से वो रायबरेली और अमेठी से जुड़े रहे हैं, तो उनको जमीन की हकीकत मालूम है कि किस तरह से गांधी परिवार का जो है एक दबदबा रहा है इस इलाके में, और लोगों की उम्मीद होती है कि ये वो इलाके हैं जहां से हमने प्रधानमंत्री भेजा है, तो लोग लगातार ये उम्मीद कांग्रेस कार्यकर्ता जता रहे थे कि गांधी परिवार का ही सदस्य होगा। तो केएल शर्मा बेसिकली एक अंडरडॉग है, वो ज्यादा लाइमलाइट में आना पसंद नहीं करते। हमेशा आप देखेंगे कि जब सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ भी चलते हैं तो बैकग्राउंड में फेड हो जाते हैं, लेकिन आज वो वक्त है जब उनको सेंटर स्टेज लेना पड़ेगा। एक तरफ राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी का दमखम दिखेगा जिसका आयोजन उन्होंने किया है यहाँ रायबरेली में, और दूसरी तरफ वो अमेठी में है जहां पे उनको अपना रोड शो निकालना है, तो वो पहले से ही कहीं ना कहीं उनको इस बात का इल्म था कि कहीं ना कहीं गाज उन पर गिर सकती है या उन पे ये जिम्मेदारी आ सकती है। आप देखिए कि अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया, तो खुद ही वो सख्ते में है और तमाम अमेठी के नेता भी इसको लेकर सख्ते में होंगे। कई नेता नाराज भी है, बात करके बताएंगे, उनको भी जानकारी नहीं थी।